100 ग्राम है आंवला रिफ्रेश का, कल कुछ 30 रुपये का पड़ा था ये, तो मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी आंवला। ये जो गोल गोल है थोड़ा हार्ड सा, ये है मीठा, एंड ये भी इन सबको थोड़ा अच्छे से कूटना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, एंड देन इसका पाउडर बना सकते हैं। थोड़ा सा इजी रहेगा मिक्स करने के लिए, वरना वो गीला गीला करके वो पूरा हाथ ही गंदा मतलब काला हो जाता है। ये हमारे घर का सबसे मजबूत खल लोहे का, सालों साल चलेगा। एंड यहाँ मैंने प्लेट में अलग अलग करके कुछ, ये 100 ग्राम है आंवला शीकाकाई और रीठा। सो आंवला एक्चुअली बालों का जो प्री मेच्योर ग्रेइंग है उसको ठीक करेगा, एंड शीकाकाई और रीठा जो होता है ये बेसिकली क्लिनजिंग फॉर्म में होती है, ये एकदम बालों में जैसे शैम्पू का झाग होता है ये वो झाग लेके आता है। एंड ये भी जो बालों में जैसे डैंड्रफ हो या फिर एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। सो अभी सबसे पहले मैंने इसको सबसे पहले मैंने तोड़ना है खल में, क्योंकि इसके अंदर सीड्स हैं। आई डोंट नो सर आवाज़ आ रही है कि इसके अंदर सीड्स हैं, इवन इसके अंदर भी सीड्स हैं जो मैं मिक्सी में नहीं डाल सकती, वरना मिक्सी चाहे टूट जाए। सो इसमें ये सारे सीड्स निकले हैं, इन सीड्स को मैं अलग कर दूँगी। सो अब इनको वापस से खल में डालना है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि शीकाकाई के भी सीड्स निकाल के तो मैं साथ में खल में डालती हूँ, इनके सीड्स तो सब निकल गए। मॉइस्चर लग रहा है इसमें थोड़ा सा, फिर थोड़ा धूप में सुखाना पड़ेगा। ओके अब इसकी थोड़ा देखें तोड़ के इसमें कैसे सीड्स हो सकते हैं, ये टूटेगा और ओके ये है शीकाकाई के सीड्स छोटे छोटे से। चलो सबके सीड्स निकाल के एंड इनको खूंचा जाए कायदे से, ये इसको भी अच्छे से खूंचा है। अब इसके भी बीज निकाल लेते हैं, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड बीज को साइड में निकाल के रख दिया है। तो दिस इज नाउ, इनको अच्छे से फिर से एक बार खूंच के फिर मिक्सी में पीसेंगे। खल में कूचने के टाइम पे ये बार बार चिपक जा रहा था बिकॉज थोड़ा सा मॉइस्चर था, एंड काफ़ी अच्छे से इसको नो क्रश करने के बाद इसको हमने जार में डाल के पीस दिया, फाइन पाउडर बनाया एंड देन इसको कंटेनर में रखा। एंड जस्ट बिकॉज यू नो आजकल डेली लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि लोग शैम्पू जल्दी यूज़ करते हैं, दैट इज़ ईजी टू यूज़, एंड ये इसमें बहुत प्रोसेस बहुत ही यू नो प्रोसेस बहुत लंबा है इसका। एंड जब मैं खल को धो रही थी तब मैंने देखा कि इसमें इतना ज़्यादा झाग हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ रीठा एंड शीकाकाई। जब ये मेरा सेकेंड वॉश किया मैंने, सेकेंड यू नो सेकेंड टाइम वाटर डाल के, तो भी इसमें इतना झाग निकल रहा था। एंड देन मैंने जब पर्सनली इसको यूज़ किया है, सो लेट मी टेल यू इट वॉज एक्चुअली बहुत ही झाग था इसमें, एंड काफ़ी अच्छे से बाल क्लीन हो गए थे।